दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग है सभी को। बहुत नमस्कार, बहुत आभार, बहुत नमन, बहुत वंदन और बहुत सारा अभिनंदन। दोस्तों सैटरडे को वैसे तो हमारी क्लास होती है जजमेंट राइटिंग की, लेकिन चूंकि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो लास्ट अगर हम देखें एपिसोड तो वो बाकी है, जिसमें हमको सेक्शन 143A 148 इनका एक दो केस लॉ को हमें समझना है। तो आज की जजमेंट क्लास को हमने कैंसिल करते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ख़त्म करना ठीक समझा। नेक्स्ट बात यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इसके बाद भी दो तीन सेशंस रहेंगे। मैं संडेज को या जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वो सेशन ले लूँगा। वो सेशन कौन से होंगे? एक होगा उसमें जजमेंट्स, जितने भी सारे लीडिंग जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में हमें आते हैं, उसका एक पूरा सेशन होगा। एक सेशन प्री के क्वेश्चंस का होगा, है ना, कि प्री में किस किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। और एक सेशन होगा मेंस आंसर राइटिंग का, कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको उसको मेंस में किस प्रकार से डील करना है, तो हम उसको एक एपिसोड उसका भी बनाएंगे। तो उसके लिए हम जब भी हमारे पास समय होगा बिल्कुल हम आपको नोटिफाई करेंगे, और हम किसी भी संडे को या किसी भी हॉलीडे पर मैं उसका सेशन आपके लिए ले लूँगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का लास्ट टॉपिक, है ना। किसी व्यक्ति ने अगर नेगोशिएबल नहीं भी पढ़ा है, मान लो उसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, उसके बाद भी वो इस सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं, उनको पूरा समझ में आएगा। और मेरे बाकी सेशंस फिलहाल अवेलेबल है यूट्यूब पर, है ना। मैं पूरा एक एक चीज़ को ब्रीफली पढ़ा चुका हूँ। मैंने अब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो जो पढ़ा दिया है वो 1-25 पढ़ाया है, 9900 पढ़ाया है, 118 पढ़ाया है, और 138-2 अगर हम इसको इंक्लूड कर लें आज वाले को, तो 138-148 में इतना पूरा कवर यहाँ पर कर चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब यहाँ पर पूरा आपका बिल्कुल और बिल्कुल कवर हो चुका है। आइए दोस्तों हम आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं सेक्शन 143A और 148 का। 143A पर एक सेशन में बात हो चुकी है, हालांकि 143A के बारे में बात हो चुकी है और 148 के बारे में हमें बात करना है। हमें ये देखना है कि कौन से दो तीन जजमेंट है जो इन पॉइंट्स पर इम्पोर्टेंट है, है ना। इस पर एक झगड़ा हमेशा से चलता आया है, वो डिस्प्यूट किस बात का है कि वेदर इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर और प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। तो हम जजमेंट के माध्यम से इसको समझेंगे, और जजमेंट देते वक्त उन्होंने क्या कारण, क्या ग्राउंड्स, क्या दिमाग लगाया, हमको उसको भी यहाँ पर आज पूरा समझना है। सेक्शन 143A और 148 एक इंटरिम कंपेंसेशन की बात करता है, एक कंपेंसेशन की बात करता है। 143A टॉक्स अबाउट इंटरिम कंपेंसेशन, 148 टॉक्स अबाउट कंपेंसेशन। 143A और 148 में फ़र्क ये है कि ये बात करता है ट्रायल केसेस की, ट्रायल स्टेज पे, और ये अपील वाले मामलों की बात करता है। मैं इसका ऑब्जेक्ट बहुत बखूबी समझा चुका हूँ, पहला जो सेशन था उसमें ब्रीफली, बहुत शॉर्ट में मैं इसका ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। आपने 138 को 1988 में जब क्रिमिनलाइज करा तो समस्या ये आई कि उसके बाद भी समस्या नहीं सुधरी, उसके बाद भी लगातार पेंडिंग केसेस बढ़ते चले गए। अब
2018 में सरकार को लगा, लॉ मेकर्स को लगा कि हमें कंपेंसेशन का भी एक प्रोविजन यहाँ पर डाल देना चाहिए, तो उन्होंने 143A और 148 को इंट्रोड्यूस करा 2018 के अमेंडमेंट से। इसके बाद अब एक नई पिक्चर आ गई है कि जब भी, वैसे तो कैसे ऐसा कभी था नहीं है ना, मतलब केस आपका शुरू यहाँ होता है एंड यहाँ होता है, तो जो भी मॉनिटरी देना है एक दूसरे को वो कब देना है भैया, आखिरी में जब हम ऑर्डर करेंगे। हम ऑर्डर में क्या क्या करेंगे, हम ऑर्डर में हो सकता है कि इसको पनिशमेंट दे दे 138 के हिसाब से, हो सकता है हम उसको फाइन दे दे 138 के हिसाब से, और हो सकता है कि हम उसको कंपेंसेशन दे दें 357 CRPC के हिसाब से। तो 357 CRPC के हिसाब से जो उसको पैसा मिलना चाहिए वो भी कब मिलेगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, मतलब जब जजमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको वो आपका पैसा वहाँ पर मिलना है। अब समझने वाली बात ये भैया यहाँ पर कि आपने 143A और 148 सेम चीज़ अपील में भी होती है, अपील में भी लास्ट में जो भी पिक्चर होती है आप जीत जाओगे तो पैसा मिल जाएगा, वरना जयराम जी की। तो यहाँ पर क्या है, ये 143A और 148 नए इसलिए है, खास बात इसलिए है क्योंकि ये इस जजमेंट होने के पहले ही पैसा दिलवाने की बात करते हैं। मतलब वाह कितनी अच्छी चीज़ है क्रिमिनल, आप इतनी सी बात समझ लो कि किसी व्यक्ति को सजा होने के पहले थोड़ी बहुत सजा तो भुगत ले है ना, 20% सजा तो भुगत ले। तो चूंकि मॉनिटरी वाली बात है इसलिए यहाँ पर अपन उसको कर सकते हैं है ना, फाइन और पनिशमेंट में हमेशा नहीं कर रहे, हम केवल कंपेंसेशन के मामले में इसको ऐसा कर रहे हैं ना। ऐसा मत समझना कि उसको आप पहले जेल में डाल दोगे, नहीं नहीं वो तो आफ्टर कन्विक्शन ही होगा, लेकिन जो कंपेंसेशन की बात है उसके लिए यहाँ पर लाए ताकि 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 जिस व्यक्ति ने, जो ड्रावर है ना, जिस व्यक्ति ने धोखा दिया है उसको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देगा जब वो, तो पैसा तो उसको पार्टी को भी देना है, पैसा उसको यहाँ पर भी देना है पार्टी को, तो समझेगा कि क्यों ना समझौता कर लूँ, क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। प्लस झूठे केसेस के जितने भी मामले होंगे वो अब आने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि भैया 100 रुपये में से आपने बोल दिया कि 20 रुपये आपको आते से ही देना है, तो 20 रुपये इसको दो है ना, 5-25 रुपये वकील से आपको दो, तो 40-45 रुपये तो मेरे को देना पड़ रहे हैं। बेहतर है कि 60-70 रुपये में इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, ना वो कोर्ट जाएगा ना मैं कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि इसको भी 100 रुपये लेने के लिए वकील का खर्चा करना पड़ेगा, तो इसको भी 15-20 रुपये खर्चा करना है, तो ये भी करीब 80-90 रुपये कमा पाएगा ना, तो 80-90 ये 60-70 ये बेटर है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा वाला यहाँ पर अपन कर ले। तो इसका उद्देश्य इतना सा था मात्र कि लोगों पे प्रेशर डाले कि एक तो झूठे केस लगाओ मत, और लगा लिए हो तो इस कंपेंसेशन के भय से डर से आप इसको उठा लो। एक और फायदे वाली बात ये कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट होता है, जो शिकायत करता है, जिस व्यक्ति के हाथ में चेक होता है वो चेक बाउंस हो जाता है, वो कोर्ट जाता है केस लगाता है, भैया एक तो उसने पहले पैसा दिया उधार चेक के बदले, चेक लिया चेक को लगाया, वो उसके सामने गिड़गिड़ाया कि भैया पैसे दे दो, नहीं माना, कोर्ट में केस करा, वकील करा, अरे भैया पैसे देने के बाद भी इतनी माथापोड़ी मेरे को ही करना है क्या, मतलब मेरे को मेरे 100 रुपये निकालने के लिए 20-25 रुपये का खर्चा आप और करवा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने जैसे ही बोला कि 20% आपको देना है यहाँ पर, तो उसके पास वो खर्चे के पैसे भी आ गए है ना, जो कंप्लेनेंट था, चूंकि कोर्ट के पास पावर है कि वो अप टू मैक्सिमम 20% का यहाँ पर ऑर्डर 143A में कर सकती है, और 148 में तो मिनिमम 20% वाला मामला है। हालांकि बता दूं अगर इंदौर की बात करें तो यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम 20% है, तो लगभग 20% ही हमेशा ऑर्डर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं हो और वो प्रे करता है कि मुझे 15% 10% दे दिया जाए, तो वहाँ पर वैसा भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन है ये मजिस्ट्रेट का कि वो मैक्सिमम 20% में मैक्सिमम 20 देगा, 19 देगा, 18 देगा, 17, 17.5, 16, 15, 14, 13, 12, 13 है ना, जो भी आपको नंबर पसंद हो, आपका फेवरेट नंबर, आप उसको वो वहाँ पर उतना कंपेंसेशन दे सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात वहाँ पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आइए हम सेक्शंस पे आ जाते हैं सीधे, और सेक्शंस के बाद हम उसकी बहुत सारी जो बची हुई बातें हैं उसको भी कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो मतलब तीन ऑब्जेक्ट हमको समझ में आए, एक क्या समझ में आया कि कंप्लेन को खर्चे के पैसे मिल जाएंगे है ना, एक क्या समझ में आया कि लोग कम से कम केस लगाएंगे इस डर से कि पैसा देना पड़ेगा, और तीसरा क्या आया, कॉम्प्रोमाइज़ करने की उनकी उसको बूस्टअप करेगा, उसको इंसिस्ट करेगा लोगों को कि भैया आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ 143A है ना, और आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ है ना। इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 143A इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
हियर इन आफ्टर रिफर्ड एज द प्रिंसिपल एक्ट. ठीक 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 भैया सीधे बात करो. हाँ 143A पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपेंसेशन. इंटरिम कंपेंसेशन करने की न्यायालय की शक्ति है ना. न्यायालय को 2018 के पहले तो ऐसी कोई शक्ति थी नहीं है ना कि मान लो दो पार्टी आई, दो में से एक पार्टी को बोल दिया कि चलो भैया इसको पैसा दो तुम 20%. अरे तो भैया साबित कहाँ हुआ चोर में? सिंपल सी बात है ना कि व्यक्ति जब चोर साबित होगा, जब ये साबित होगा कि सर चेक मैंने दिया था और बाउंस हुआ, जब गलती मेरी होगी तो देना ना सजा. लेकिन NIA ने क्या बोला है, ठीक है भैया अभी तो दे दे, बाद में तो अपने आप को अगर है ना भगवान राम का अवतार साबित कर देगा, एकदम ईमानदार व्यक्ति साबित कर देगा तो तेरे को हम वापस दिलवा देंगे तेरा पैसा ब्याज से, तो उसमें भी कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है. पर आज तो तेरे अगेंस्ट अगर केस लगाए तो आपको 20% मैक्सिमम तक का जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगी वो आपको क्या करना है, जमा कराना है. हाँ भैया पहला क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. मतलब CRPC में कुछ भी बात लिखी हो, क्योंकि CRPC में इसकी बात लिखी ही नहीं है. CRPC ने कभी भी इंटरिम कंपेंसेशन की बात नहीं करी है. 357 टॉक्स अबाउट कंपेंसेशन बट नेवर टॉक्स अबाउट इंटरिम कंपेंसेशन. क्यों? क्योंकि वो पोस्ट कन्विक्शन केसेस पे है ना, समझ में आई? क्योंकि CRPC क्या बोलता है, किसी व्यक्ति को सजा होगी तो सजा के समय आप उसको क्या दिलवा देना भैया, कंपेंसेशन दिलवा देना. लेकिन 143A क्या बोलना चाह रहा है कि उस व्यक्ति को सजा होने के पहले ही, मतलब 357 टॉक्स अबाउट पोस्ट कन्विक्शन, 143A इज टॉकिंग अबाउट प्री कन्विक्शन केसेस. कन्विक्शन होने के पहले ही आपको क्या करना है, यहां पर उसको कुछ पैसा दे देना है. द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138. कोर्ट कौन सी ट्राई करेगी भैया? 143 में लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई. 142 में लिखा हुआ है कि ये या इनसे सुपीरियर है ना, तो दोनों ही सेक्शन हमको याद करना है जहां पर वो बात करते हैं कि कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी. मैं ऑर्डर द मैं मतलब डिस्क्रिप्शन है भैया, कोई जरूरी नहीं है आपका राइट क्लेम नहीं कर सकते हो आपकी सर 143A में हमारा राइट है. राइट कब होता था, जब यहाँ पर शॉल लिखा होता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, इसका मतलब आपका राइट तो नहीं है कि मतलब आप है ना कोर्ट से एज अ राइट इसको क्लेम करो. मैं ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक. ड्रॉवर ऑफ द चेक मतलब जिसने चेक लिखा है, जिसने चोट करी है, ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपेंसेशन टू द कंप्लेनेंट है ना. क्या करे वो, क्या कर सकती है ऑर्डर यहाँ पर भैया? यहाँ पर कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है क्या कि एक्यूज को बोले, एक्यूज मतलब ड्रॉवर, कि किसको भैया, कंप्लेनेंट को आप क्या दोगे, इंटरिम कंपेंसेशन दोगे है ना. ये क्या डिक्लेरेशन है, ये कितना क्या कैसा है ना, इसके बारे में बात आगे यहाँ पर करी हुई है. तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डिक्लेयर करा उन्होंने कि भैया इंटरिम कंपेंसेशन का एक नया कंसेप्ट आया है, जो भी कोर्ट ट्राई करेगी उसके पास अधिकार है. वो एक्यूज को बोलेगी, उसको जो ड्रावर ऑफ द चेक है उसको बोलेगी कि भैया तो कंप्लेनेंट को इतना इंटरिम कंपेंसेशन दे दें. अब आगे की बात अपन आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो, इन अ समरी ट्रायल और समन केसेस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट एंड इन अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. देखो भैया है ना, मतलब आपको पता होगा कि कितनी ट्रायल है भैया अपने CRPC में. अपने CRPC में चार प्रकार की ट्रायल है भैया. एक तो सेशन होता है, मतलब बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े जज, सीनियर जज, सेशन, वारंट, समन और समरी है ना. अपन CRPC में बहुत जल्दी इस पर आने वाले हैं और अपन जानेंगे कि सेशन और वारंट में डिफरेंस क्या है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समरी और समन में डिफरेंस क्या है. हाँ सेशन की बात तो यहाँ बिल्कुल होने से रही अभी है ना, क्योंकि यहाँ पर किसको बोला है, मजिस्ट्रेट ही केवल ट्राई करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे मतलब सेशन को ट्राई करने का जो अधिकार है वो 142 में तो एक बार था, लेकिन 143 ने उनसे वो अधिकार भी छीन लिया है. तो मतलब इसकी तो बात हमको करना ही नहीं आज है ना. हाँ भैया अब ये बचे तीन छोटे छोटे वारंट ट्रायल में. अब इन दोनों में क्या होता है, सेशन में क्या बनता है, चार्ज बनता है, वारंट में क्या बनता है, चार्ज बनता है, समन और समरी में भैया चार्ज नहीं बनता है ना. क्या बनता है, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, सब सटेनस ऑफ एक्यूजेशन है ना, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन है ना. मतलब आपके ऊपर चार्ज नहीं बनेगा. अब चार्ज कब बनता है, क्यों बनता है, चार्ज बनने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इस बारे में अपन CRPC पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि यह सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन क्यों है और वहाँ चार्ज क्यों है और चार्ज का फायदा नुकसान क्या है और इसका फायदा नुकसान क्या है. लेकिन फिर भी अभी हम समझ लेते हैं उन्होंने क्या बोला है. जो ए वाला बोल रहा है वो बोल रहा है समरी और समन में, इन समरी ट्रायल और समन केस वेयर ही प्लीड्स नॉट
गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन द कंप्लेंट, है ना। समन केस मतलब 2 साल से कम की सजा वाले, है ना। बेसिकली वो समन ट्रायल कहना चाहते हैं वो, है ना। चूंकि जो आपका ये होता है एक्यूजेशन होता है वो कब बनता है, आपका समन ट्रायल में बनता है। तो वो समन ट्रायल समरी केस वो लगभग एक ही बात कहना चाह रहे हैं। तो समन और समरी में क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन जब बनेगा, जब वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे स्वीकार नहीं है, जब वो इसको मना बोलता है, उससे चार्ज बनाओगे तो भी पूछोगे स्वीकार है बेटा, मानता है गलती, दे रहा है पैसे। जब आप उससे सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन बनाते हो तब भी आप उससे पूछोगे मानता है गलती, लग रहा है तेनों कराए, दे रहा है के पैसे। दोनों बार आप उससे पूछोगे, दोनों बार वो क्या बोलेगा, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई विल टेक डिफेंस, है ना। मैं पूरा केस लड़ूंगा और मैं मतलब बिल्कुल लड़ाई करूंगा और मेरे को नहीं मानना। तो जब क्या बोल रहा है, इन एनी अदर केसेस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे नो बोलता है, किस केस में, वारंट केस में, है ना। यहाँ पर सेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। और इन दो केस में जब वो सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन के बाद नो बोलता है, तो इन दोनों ही यहाँ पर मतलब दिस इज द पोजी, ये स्टेज की बात कर रहा है वो, कि भैया वो इंटरिम कंपेंसेशन का ऑर्डर कब करना है, केस लगाते ही करना है, है ना। केस का नंबर मिलते ही करना है, पहले दिन वकील जाएगा तब करना है, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे कोर्ट में तब करना है, तीनों एक दूसरे को देख लेंगे, जज साहब और ये तीनों आंखों में आंखें मिल जाएगी तो एकदम चलो ऑर्डर कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने स्टेज बताइए कि कौन सी स्टेज, तो यहाँ पर स्टेज क्या बताइए भैया, जब प्लीड नॉट गिल्टी करते हो, है ना। क्योंकि प्लीड गिल्टी करोगे तो भैया टोटल हिसाब हो जाएगा आपका, जब आप बोलते हो कि मेरा टोटल हिसाब मत करो, है ना, मैं पूरा लड़ूंगा, तब आपको ऑर्डर करना है यहाँ पर। और इसका मतलब एक ये भी है कि एक्यूज की उपस्थिति जरूरी है ना, एक्यूज को समन जाएगा तो प्रॉपर तामील होके वो कोर्ट में आना चाहिए। अगर भैया वो कोर्ट में आएगा ही नहीं तो इस ऑर्डर का मतलब ही क्या रहेगा, है ना। एक्यूज नॉट प्लीड गिल्टी कब होगा, वेन ही प्रेजेंट इन कोर्ट, या तो अपने वकील के माध्यम से आएगा या स्वयं आएगा। तो जब प्लीड नॉट गिल्टी करता है तभी आपकी ये स्टेज इन्वोक होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 138 का केस लगा दिया कोर्ट में और उसके बाद आप ये उम्मीद करें कि आपको यहाँ पर इंटरिम कंपेंसेशन मिलने वाला है, नहीं, आपको एक्यूज की तामीली भी प्रॉपर करवाना है, उसको कोर्ट तक लाना है। और जैसे वो कोर्ट में आएगा, जब वो बोलेगा प्लीड नॉट गिल्टी एक्यूजेशन के अगेंस्ट या चार्ज के अगेंस्ट, एट उस स्टेज पर कोर्ट ऑर्डर करेगी, कर सकती है, डिस्क्रिशन है, क्या आगे देखते हैं कितना अमाउंट है, पर इंटरिम कंपेंसेशन का यहां पर वो हो सकता है। नेक्स्ट, द इंटरिम कंपेंसेशन, नहीं हाँ, द इंटरिम कंपेंसेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, मैक्सिमम, मैक्सिमम भैया मैक्सिमम बोला है, कितना बोला है, 20% ऑफ द चेक अमाउंट। मतलब मान लो चेक 1,00,000 रुपए का है, तो कोर्ट के पास इस स्टेज पर क्या ताकत है कि वो बोल दे कि भैया ड्रॉवर ऑफ द चेक, कि भैया एक्यूज ऑफ द केस, क्या करो आप 20,000 रुपए इसको दे दो आज ही, ये खुश 20,000 रुपए आज ही मिल रहे। मतलब मैंने अभी मेहनत के नाम पे क्या करा, मैंने मेहनत के नाम पे केस लगाया, समन करवाया और इसको बुला लिया बस, और मेरे को 20,000 रुपए मिल गए। अब मेरे को बचे हुए 80,000 रुपए के लिए पूरा केस लड़ना पड़ेगा, जीतूंगा तो मिल जाएंगे। तो मतलब आपको 20,000 रुपए पहले ही मिल गए और बचे हुए 80,000 रुपए प्लस जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह वो बाद में आपको वहां पर मिलेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ भैया, कि इसको 1,00,000 में से 20 तो आज देना पड़ रहा है, इसको वकील की फीस भी देना पड़ेगी, है ना। मान लो वकील साहब ने 10,000 रुपये चार्ज करे पूरे केस के, तो 20 और 10, 30,000 यहाँ पर हो चुका है। और भी अपन अगर अदर एक्सपेंडिचर माने, उसको आना जाना, चाय नाश्ता का कुछ भी, तो कुछ भी 35,000 रुपये के आसपास उसको पूरा कोर्ट फीस वगैरह के साथ वो मामला यहाँ पर पड़ रहा है। 35,000 रुपये तो उसको आज ही देना पड़ रहा है, टोटल अमाउंट 1,00,000 का है। और इसको भी पता है, है ना, जिसको 1,00,000 रुपए लेना है कि बेबी खर्चा वर्चा कर रहा हूँ, तो वो भी 80,000 रुपए की उम्मीद में बैठा हुआ है ना। उसको भी उम्मीद नहीं कि 1,00,000 रुपए पूरे आएंगे, वो भी 80,000 रुपए मिल जाए तो भैया अपन तो केस वापस लेके अपन घर, अपने को अगली बार से किसी को चेक वेक देना ही नहीं है, लेना नहीं है, मतलब अपने को किसी को पैसे नहीं देना है चेक पे, है ना। भगवान माफ करे हमको, अगली बार हम नहीं करेंगे, तो उसको अक्कल आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वो क्या बोल रहे हैं कि यार 1,00,000 रुपए का अमाउंट है, 75-80 जो दिलवाना दिलवा दो, है ना, टेंशन खत्म, आज से ये पैसों का लेन देन खत्म, आज से अपन अपना काम करेंगे। तो अब क्या होता है, 35 और 75 में समझौता होने की गुंजाइश बहुत कुछ है ना। 0 और 100 में या 0 और 80 में समझौता होने की
वो गुंजाइश रहती है वो कम रहती है, लेकिन जब आदमी की जेब से 35 तो निकल ही रहे, 15-20 और दे के मामला सुलटा ले भैया, मामला खत्म कर ले, कोर्ट कचहरी खत्म कर ले, आने जाने का टेंशन खत्म कर ले, समाज में इज्जत बचा ले, तो 15-20 हज़ार में इतनी सारी चीजें पूर्ति है कि नहीं पूर्ति है? मेरा मानना है पूर्ति है। अगर आप में से किसी का मामला 10-15 हज़ार पे अटका हो तो आज ही खत्म करके अपनी है ना ये सब बचा लो जो मैंने पूरी लिस्ट बताई आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अब कंफ्यूजन होगा 148 और 143 ए में। यहाँ पर ध्यान रखना मैक्सिमम इज 20%, वहां पर कुछ और बात यहाँ पर लिखी हुई है। सेशन कोर्ट में केस क्यों नहीं जाएगा ये समझ नहीं आया सर। सेशन कोर्ट में जुड़ी ये 138 का केस इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं कि जाएगा, है ना। 138 की प्रोसीजर अलग है ना, इसकी प्रोसीजर किसने बोली है भैया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 142 ने बोली है। 142 ये बोलता है कि कोई भी 138 का मामला जेएमएफसी या एमएम या इनसे सुपीरियर कोर्ट करेगी। मतलब 142 को पढ़ के मुझे नजर आता है कि सेशन कोर्ट के को भी पावर है, लेकिन 143 में उन्होंने बोल दिया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ही इसकी क्या करेंगे, वह ट्रायल करेंगे। तो 143 से क्लियर होता है कि यहाँ पर सेशन कोर्ट को उन्होंने डिबार कर दिया है, केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के पास पावर है कि वो 138 के अपराधों का यहाँ पर ये ट्रायल यहाँ पर करेंगे इस मामले की। इसीलिए यहाँ पर मैंने बोला है कि सेशन को अपन बाहर कर देते हैं, है ना, जो चांसेस है वो इनकी है। यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। द इंटरिम कंपेंसेशन शाल बी पेड विद इन 60 डेज, है ना, एक एक चीज तय कर रखी। देखो सबसे पहले उन्होंने डिक्लेरेशन करा है कि इंटरिम कंपेंसेशन दिलवाना है, उसके बाद उन्होंने कुछ छोटी छोटी हमको यहाँ पर बातें बताई है। जैसे एक क्या बताई, सबसे पहले उन्होंने पहला पॉइंट आपका डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम कंपेंसेशन, कौन किसको देगा, है ना, किसके पास पावर है, वो पावर डिस्क्रिशनरी है कि मैंडेटरी है ना, तो कौन देगा भैया? ड्रावर ऑफ चेक किसको देगा? कंप्लेनेंट को देगा। किसके डिस्क्रिशन के ऑर्डर पे? ये कोर्ट के ऑर्डर पे, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्टेज का है कि कौन सी स्टेज पे, तो स्टेज में अपन ने तीन स्टेज देखी है भैया, है ना, एक समन वाली स्टेज, एक समरी वाली स्टेज, एक वारंट वाली स्टेज। यहाँ पर चार्ज को मना बोलता है, यहाँ पर एक्यूजेशन को मना बोलता है। चौथी स्टेज क्या देखी भैया अपन ने? क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन, कितना अमाउंट, क्या कितना क्वांटम कितना रहेगा, मतलब है ना चेक का कितना अमाउंट। तो यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम 20% ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब नेक्स्ट स्टेज अपन देखते हैं कि भैया कब तक देना है। ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कि हाँ भैया तुमको 20,000 रुपये उसको देना है, तो कोई समय सीमा भी तो होगी, तो वो समय सीमा के बारे में भी बकायदा एक्ट ने लिख दिया है। मतलब है ना अपने को बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रहती है, कई बार एक्ट इतना सुंदर लिखा होता है, एक एक बात उसमें लिखी होती है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने छोड़ दी और उस पर पूरी लड़ाई हुई फिर, है ना, अपन उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है? द इंटरिम कंपेंसेशन शैल बी पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। मतलब 60 दिन के अंदर, 60 डेज का यहाँ पर समय यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये अमाउंट यहाँ पर जमा कराना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एस मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन सफिशियंट कॉज बीइंग शोन बाय द ड्रॉवर ऑफ द चेक, है ना। मतलब इसके बाद भी फर्दर पीरियड, मतलब 60 दिन तो ठीक है, इसके बाद आप प्लस 30 भी कर रहे हो, 30 डेज, मतलब यहाँ टोटल 60 दिन है, आपको टोटल मैक्सिमम 90 दिन मिल सकता है। लेकिन कब? यहाँ पर आपको जब सफिशियंट कॉज होना चाहिए, आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। क्या कन्विंस करना पड़ेगा? कि कोर्ट महोदय मेरे पास ये कारण है इसलिए मैं आपके 20% जमा नहीं करा पाया, मुझे आप 30 दिन के अंदर की मोहरत देता है, 30 दिन के अंदर वो जमा करा देता है, तो उसको कंसिडर यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ लिया भैया? डिक्लेरेशन, है ना, इसके बाद स्टेज, फिर क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन, फिर कब तक देना है ना, कब तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिस्टोरेशन की बात करता है। रिस्टोरेशन मतलब इस व्यक्ति को सर आपने, मतलब कैसी बात कर रहे हो सर आप, मतलब वो व्यक्ति कोर्ट आया, अब भगवान जाने गलती किसकी, अपने को तो नहीं पता, कोर्ट तय करेगी। और उसके पहले भी आपने क्या करवा दिया? आपने 143A का इस्तेमाल करते हुए उस बेचारे गरीब की जेब में से 20,000 रुपये निकलवा लिए सर, 20,000 रुपये पूरे के पूरे, 20,000 रुपये सर, है ना। तो भैया ऐसा नहीं है, चिल्ला चोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया। NIA के केस इतने बढ़ गए थे कि ये करना जरूरी था। हम भी इस बात को मानते हैं कि ये करते हुए न जाने कितने बेगुनाहों को, न जाने कितने ईमानदार लोगों को भी ये 20,000 रुपए जमा करना पड़ेंगे। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको भारत का कानून एक्सेप्ट करता है, हम स्वीकार करते हैं कि जब हम ये प्रोविजन का कंप्लायंस करेंगे तो गलतियां होगी,
है ना, जिस व्यक्ति ने कभी चेक लिखा ही नहीं होगा उसके माथे भी 20,000 रुपये आ जाएगा, तो समस्याएं तो आएगी, है ना, एक्सेप्ट है। अब हम उसकी बात करते हैं जो आप बता रहे हो ना कि ये ऐसा ऐसा होगा तो उसका क्या करेंगे, तो आगे लिखा हुआ है ना यार, क्या लिखा हुआ है, इफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, मतलब बरी हो जाता है, बाई इज्जत बरी, मतलब है ना पूरे सम्मान के साथ उसको न्यायालय बोल देती कि आपकी कोई गलती नहीं है सर, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रिपे टू द ड्रॉवर द अमाउंट ऑफ द इंटरिम कंपेंसेशन, कोर्ट बोलेगी, है ना, कोर्ट क्या करेगी, शैल मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, अब कोर्ट को बरी करने के बाद आदेश देना ही देना है, क्या आदेश देना है, कंप्लेनेंट भैया तू रिपे कर जो तेरे को 20,000 रुपये में शुरू में दिलवा दिए थे इस महान आत्मा के विरुद्ध, है ना, ये बेचारा सज्जन आदमी जिसने कभी चेक ही नहीं लिखा था किसी के नाम पे, है ना, जिसका तो कभी बैंक अकाउंट ही नहीं प्रॉपर, उसके खिलाफ तूने केस लगा के उससे 20,000 रुपये ले लिए, है ना, तो वो व्यक्ति तो बरी हो गया, भगवान तेरे को माफ नहीं करेगा, पर बाकी सब छोड़ तो आज जो 20,000 रुपये इसके जमा करा, तो सर क्या 20,000 रुपये उतने ही जमा कराने की कुछ ऊपर नीचे, आइए बात करते हैं अपन, to repay to the drawer the amount of interim compensation with interest at the bank, है ना, एक interest भी तय कर दिया बकायदा, क्या interest rate भैया, as published by the RBI prevalent at the beginning of the relevant financial year, उस financial year के, है ना, financial year मतलब 1 जुलाई की यहाँ पर वो बात हो रही है, within 60 days from the date directed, है ना, on sufficient cause, है ना, within 60 days और 30 days, मतलब समय सीमा वही है 60 और 30, जो ऊपर थी ना उसको देने वाली, लेने वाले में भी वही 60 दिन है और वही एडिशनल 30 दिन है, कब, जब आप सफिशियंट रीजन सफिशियंट ग्राउंड दे दोगे, क्या सफिशियंट रीजन, आपको पैसे मिले थे 20,000 रुपये खा गए क्या पूरे पैसे उस गरीब के, है ना, तो सफिशियंट रीजन आप दे सकते हो कि हाँ सर वो गाड़ी ले ली छोरे के लिए हमने, तो है ना वो पेमेंट ही खत्म हो गया सर, है ना अगले महीने सैलरी आएगी तो सर है ना वो उसका पेमेंट हम जो भी था दे देंगे सर, तो ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के पास पेमेंट की व्यवस्था ना हो, तो भैया ये एक और यहाँ पर बात हुई थी, तो लिख लो भैया अगला पॉइंट क्या, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, छठा पॉइंट आप लिखते हो रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन मतलब पैसा वापस उसको दिलवाना जिस व्यक्ति से गलती से आपने ले लिया था, और ये करते वक्त तो भगवान से माफी भी मांगना चाहिए ऐसा मेरा मानना है कंप्लेनेंट को, कि उसने किसी गलत व्यक्ति को यहाँ पर फंसाया है, या हो सकता है कि वो एक्यूज का लॉयर अच्छा और वो बस निकला तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, तो भी उसको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया, है ना, दोनों केसों में भगवान से प्रार्थना तो भैया बनती है। हाँ भैया नेक्स्ट, द इंटरिम कंपेंसेशन पेबल अंडर दिस सेक्शन मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन अंडर सेक्शन 421 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अच्छा 451 क्या बोलता है, 421 क्या बोलता है, 421 बोलता है रिकवरी प्रोसीजर की, कि जब आपके अगेंस्ट 357 वाले मीटर के लिए बात करता है वो, कि जब सीआरपीसी के किसी प्रावधान के तहत, है ना, आपको हम बोलते हैं कि इतना फाइन दे दो इतना कंपेंसेशन दे दो, तब ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं देते हो तो आपसे रिकवरी का मोड क्या होगा, रिकवरी का माध्यम क्या होगा, हम किस माध्यम से आपसे वो पैसा रिकवर करेंगे, तो इस बारे में बात करता है आपका 421, और ये 2-3 तरीके बताता है ना, ये शायद जब वो एक तो एक तरीका मुझे याद है वो एमपीएलआरसी वाला है कि आप लैंड रिवेन्यू का एरियर मान लो और उससे रिकवर कर लो, और एक 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 और मोड, उसमें दो मोड के बारे में बात बताई हुई है, मैं आपको देख के 2 सेकंड में, है ना, बता देता हूं ताकि आपको यहां पर क्लियर हो जाए कि वो कौन से 2 तरीके हैं जिनसे आपकी रिकवरी होगी 421 वाले सेक्शन में, 421 सीआरपीसी के बारे में यहां पर बात हो रही है, यहाँ पर 2 मोड है, एक तो इश्यू ऑफ वारंट, अटैचमेंट एंड सेल, है ना, 2 तरीके होते हैं, अटैचमेंट एंड सेल और एक लैंड रिवेन्यू मानना, हालांकि लैंड रिवेन्यू मानने के बाद भी वो कलेक्टर करेगा वही अटैचमेंट एंड सेल ही अल्टीमेटली होना है, तो एक 421 में रिकवरी का माध्यम क्या है, अटैचमेंट एंड सेल, और एक क्या है कलेक्टर से लैंड रिवेन्यू वाला समझ लेंगे, तो फिर कलेक्टर उसका हिसाब करेगा, मतलब उससे रिकवरी एज अ एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू आपको करना है, और ऑलमोस्ट जितने भी कंपेंसेशन आपको दिखेंगे पूरे लॉ में, है ना, हमेशा सारी जिम्मेदारी आखिरी में, है ना, एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू पे बनती है उसकी, तो अपन ने क्या समझा भैया, अपन ने समझा कि यहाँ पर रिकवरी की जो प्रोसीजर है वो 421 में दे रखी है, हमको उसको मानना है, अच्छा मतलब 357 को तो आपको नहीं मानना था, 421 को आपको मानना है, हाँ मतलब हम तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मतलब हम तो नेगोशिएट करते रहते हैं, मतलब हमको भैया जो माल पसंद आएगा सीआरपीसी का हम वो माल खरीदेंगे, हमको जो माल पसंद नहीं आएगा हम वो माल नहीं लेंगे, हमको 357 बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमको तो कंपेंसेशन पहले ही देना था, 357 तो बात की बात करता है, तो हमको उसका वो आइटम पसंद नहीं आया, हाँ पर ये रिकवरी वाला आइटम हमको एकदम मतलब जम गया 421 वाला, तो हमने बकायदा लिख दिया कि, और लिखना इसलिए पड़ा
क्योंकि आपने पहले मना बोल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि मतलब पूरा ही आपको दुकान ही पसंद नहीं आई, पर आपने बाद में बताया कि नहीं नहीं पूरी दुकान में हमको 421 वाला मीटर जमा है, तो 421 में भैया रिकवरी हम इस माध्यम से करेंगे। आइए इसका हम लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 138 और द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शाल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड और रिकवर्ड एज इंटरिम कंपेंसेशन अंडर दिस सेक्शन। अरे सर आपने एक बात तो बताई नहीं, भैया बताओ। सर मान लो आपने वो 1 लाख के वो जो पूरे 20,000 रुपए दिलवा दिए है ना, मतलब आपने 20,000 रुपए उसको यहां पर दिलवा दिए है ना, उसका 1 लाख का अमाउंट था। तो सर अब चलो अपन ये कर लेते कैलकुलेट कि 1 लाख के प्लस में मान लो कोर्ट ने उसको बोला कि आपको इतना इंटरेस्ट देना है ना, कंपेंसेशन में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, कॉस्ट देना है कि नहीं देना है, सारा जो गणित रहेगा वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट के सहित करीब वो 115,000 रुपये का अमाउंट होता है, तो सर 20,000 रुपये कम करना है कि मतलब क्या क्या तो कम नहीं होंगे क्या, मतलब कैसी बात कर रहे हो यार, कम होंगे ना, -20,000 होगा, उसके बाद जो बचेगा वो अमाउंट उसको देना होगा। 20,000 रुपये पहले मिल तो चुके हैं है ना, जो अमाउंट ऑर्डर हुआ है कंपेंसेशन ऑर्डर हुआ है वो यही तो बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 138 और द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ द सीआरपीसी शाल बी रिड्यूस्ड। वो जो अमाउंट आखिरी दिन कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है उस अमाउंट को पूरा के पूरा नहीं देना है, क्योंकि वो पहले 20,000 रुपये या मैक्सिमम जो भी अमाउंट तय किया था है ना, 20,000 रुपये इज एग्जाम्पल फॉर मी, क्योंकि 1 लाख का मैंने केस लिया है और मैक्सिमम 20% का अपना डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करा है, हो सकता है कि वो 20,000 ना हो 10,000 हो, वो जितना भी परसेंट बनता होगा उसकी यहाँ पर वो बात यहाँ पर हो रही है। हाँ तो भैया शाल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड और रिकवर्ड एज इंटरिम कंपेंसेशन। उम्मीद करता हूँ आपको 143A पूरा समझ में आया होगा। अब हम 148 भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसके कुछ और बातें समझ लेंगे भैया, है कि नहीं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। और अगर आपको ठीक लगा हो, मेरी बात समझ में आई हो, तो लाइक का बटन दबाकर मेरी मॉर्निंग को भी गुड किया जा सकता है। एक छोटा सा माध्यम वो भी आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट क्या है भैया, 148 का मतलब ये है भैया कि मतलब नई चीज सर वापस 143A भी जुड़ा था और 148 भी जुड़ा था। 148 क्या बोल रहा है, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अच्छा तो सर मतलब 20,000 रुपये आपने उससे यहाँ दिलवाए, उसके बाद 115,000 का आपने ऑर्डर यहाँ करवा दिया है ना, 115,000 का ऑर्डर फाइनली हो गया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो व्यक्ति क्या करता है, अपील करता है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करता है ना, कन्विक्शन में अपील अलग जगह होती है और एक्विटल में उसकी अपील अलग जगह होती है। तो इसकी जब वो अपील करेगा ऊपर वाली कोर्ट में, तो वहां पर उस कोर्ट के पास मतलब उसने क्या करा, उसने अल्टीमेटली 115,000 को टाल दिया अपील करके कि अभी इसका आदेश न किया जाए चूंकि मैं इसकी अपील कर रहा हूं। जैसे ही वो अपील करेगा ये 115,000 उसको देना नहीं पड़ेंगे, तो वो मतलब पैसे देने से भाग रहा है या बच रहा है। अल्टीमेटली कोर्ट का कहना है कि ये तो गलत हो जाएगा ना भैया है ना, मतलब उसको यहाँ पर कितने भैया 95,000 देने थे, तो वो तो नहीं दे रहा है एकदम यहाँ पे है ना, तो वो अपील करता है। तो यहाँ पर 148 में बोल जाए कि बेटा तू अपील में भी नहीं बचने वाला है ना, हम तो तेरे पीछे लगे हुए और अच्छे खासे पड़े हुए, तू तो नहीं बचने वाला। कैसे नहीं बचने वाला, 148 में उन्होंने बोला है कि अपीलेट कोर्ट की पावर है कि मतलब जब ये 1,15,000 की अपील लेके आएगा कि मेरे को नीचे से 1,15,000 देने का ऑर्डर कर दिया है, सर गलत हुआ एकदम, मतलब बिल्कुल कोर्ट ने अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करा है ना, एकदम आर्बिट्ररी ऑर्डर कर दिया है, कोई जजमेंट में दम वाली बात नहीं है, आप ये 1,15,000 का मतलब सर इसको आप खारिज कर दो और आप मतलब मेरे को जिता दो, मतलब मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए जज साहब। तो ये अपील कोर्ट में वो अपनी डिमांड करता है। हाँ आइए देखते हैं हम क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, सीआरपीसी से फिर ये उलटफेर कर रहा है। इन एन अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन, ड्रॉवर कन्विक्शन के अगेंस्ट क्या जा रहा है भैया, अपील कर रहा है ना, किसको सजा हो गई है, द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर द अपीलेंट, अपीलेंट मतलब जिसने अपील करी अपना ड्रॉवर
क्या बोल रहा है, टू डिपॉजिट सच सम विच शैल बी मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द फाइन और कंपेंसेशन बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया मिनिमम फाइन या कंपेंसेशन के अमाउंट का कम से कम 20% आपको आज जमा कराना है। मतलब 1,15,000 के केस में इसका 20% भैया आप निकाल लीजिए, है ना, 22,23,000 रुपये जो भी अमाउंट आता है, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपकी कोर्ट अपील सुनेगी। अरे गजब प्रावधान है सर, मतलब यहाँ तो सर आपने क्या बोला था सर मैक्सिमम, और यहाँ सर आपने क्या बोला मिनिमम, तो सर मतलब बड़ी कोर्ट को मिनिमम शब्द का इस्तेमाल करा है, मतलब जो बड़ी कोर्ट है अपीलेट कोर्ट है उसके साथ मिनिमम शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट की शक्तियों पे आप कोई भी वो लिमिटेशन नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए आपने क्या बोला मिनिमम, कम से कम इतना तो करना, मतलब आपकी इज्जत का सवाल है, इससे कम करोगे तो अपीलेट कोर्ट की इज्जत ही नहीं रहेगी, मतलब तो हमने अपीलेट कोर्ट की इज्जत बचाने के लिए मिनिमम अमाउंट दिया है। मैक्सिमम तो भैया जो ठीक लगे आपको, अपीलेट कोर्ट हो आप मतलब भगवान समान हो उस व्यक्ति के लिए, तो आपको जो करना है वो करो, पर मिनिमम आपकी पर्सनैलिटी को मतलब 20% सूट करता है, इससे कम मतलब सूट ही नहीं करता है ना। और यहाँ पे क्या बोलता है कि भैया आपकी पूरी शक्तियों को पूरी ताकत को 20% से ज़्यादा सूट ही नहीं करता है ना, लगता ही नहीं है कि हमको 20% से ऊपर आपको देना चाहिए। उसका कारण ये भी है कि यहाँ पर अभी उसको कन्विक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बार कम से कम कन्विक्शन हो तो चुका है, इसलिए आपने क्या बोला है कि भैया आपको 20% कम से कम यहाँ पर अपीलेट कोर्ट आपकी यहाँ पर वो दिलवाएगी। सर अपीलेट कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट होगा, इसमें एनआईएम है ना, अपीलेट कोर्ट के यहाँ पर अपने को दो तरीके से अपीलेट कोर्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ वो दो तरीके कौन से हैं। मैं इसकी टेबल आपको प्रॉपर बनवा चुका था, अभी फिर मैं आपको उसको स्पेसिफिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कन्विक्शन का अलग केस होता है और एक्विटल का अलग केस होता है। एक्विटल का आपका जो मामला जाता है वो 378 के सबसेक्शन 4 में जाता है, और जो कौन सा मामला होता है भैया एक और जो कन्विक्शन का होता है वो 374 में जाता है, सेशन कोर्ट में जाता है कन्विक्शन में 374 में, और ऑन एक्विटल हाई कोर्ट में जाएगा सीआरपीसी 378-4 में। मैं इसको लिखवा देता हूँ, मतलब 138 के मामले में भैया, 138 का मामला प्राइवेट कंप्लेंट एक्चुअली है ना, तो इसको 138 में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये प्राइवेट कंप्लेंट मतलब परिवाद है ना, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे अपन। तो इसमें दो सिचुएशन है भैया, क्या जब उसको कन्विक्शन हो जाता है ना, तब उसके पास 374 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में जाने का है, तो यहाँ पर आप जो जा रहे हो ना, यहाँ पर आपकी अपीलेट कोर्ट कौन सी है, सेशन कोर्ट है। लेकिन अगर ये व्यक्ति बरी हो जाता है, मान लो एक्विटल हो जाता है और कंप्लेनेंट उसके अगेंस्ट करता है अगर, तो कंप्लेनेंट के पास जो पावर है वो 378 के 4 में आफ्टर द लीव ऑफ हाई कोर्ट है, तो यहाँ पर आपको जाना है हाई कोर्ट में और यहाँ पर आपको जाना है सेशन में। ये समझने वाली बात है, चूंकि ये बात हमको कम देखने को मिलती है, कंप्लेंट केस का ये फायदा समझ लीजिए, मतलब आप कि कंप्लेन केस में जब हो जाता है ना, क्योंकि जब स्टेट वाले मामले में क्या लिमिटेशन है, 377 378 सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस है जब स्टेट आपके खिलाफ लड़ती है, पर जब एक परिवादी, जब एक प्राइवेट पर्सन आपके खिलाफ लड़ता है तो उसमें आपको फायदा ये मिलता है कि 378-4 में आपको हर मामले में अपील करने का यहाँ पर अधिकार है, अगर उसको वहाँ पर एक्विट कर दिया गया है तो यहाँ पर चूंकि उसको सजा हुई है इसलिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेशन न्यायालय की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर वो एक्विट हो जाता तो सीधा हाईकोर्ट जाता और वहाँ पर ये कोई भी प्रावधान की जरूरत पड़ती नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर 148 में क्या लिखा हुआ है, जब उसको ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन करेगी तभी ये मामला उसको मतलब बनेगा। तो सर आपने क्या बोला कि मतलब अपीलेट कोर्ट की पावर है, ठीक है, कम से कम 20% होगा, आपने रीजन बताया कि सर पर्सनलिटी को सूट करता है, ठीक है, प्रोवाइडेड डेट द अमाउंट पेबल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कंपेंसेशन पेड बाय द अपीलेंट अंडर सेक्शन 143 है। अच्छा सर, वो जो 20,000 रुपये दे चुका है और यहाँ पे 1,15,000 या 1,00,000 जो भी अमाउंट है इसका, मान लो 22,23,000 रुपये जो भी 20% आ रहा है, तो सर इसको माइनस कर देंगे क्या, मतलब पुराना वाला को जोड़ लेगा साथ? नहीं नहीं भैया, वो अलग और ये अलग, इस बात को क्लियर किसने कराया आपका, जो इसने बोला है ना, क्या बोला है, प्रोवाइडेड डेट द अमाउंट पेबल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू इंटरिम कंपेंसेशन, वहाँ 1,00,000 पे 20,000 रुपये अलग देना पड़े, या 1,15,000 का 20% कम से कम आपको अलग देना है ना, तो मतलब आपको और पैसा देना है अभी,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 60 डेज। वही समय सीमा वही है कि 60 दिन में आपको करना है और सफिशियंट कॉज हो तो आपको 30 दिन और मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 90 दिन यहाँ पर आपको मिलते हैं, लेकिन जो बाद वाले 30 दिन है वो आपको सफिशियंट कॉज पर ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द अपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अपीलेंट टू द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। ओहो ओ नो, कितनी अच्छी बात है। 143 में अपन ने क्या देखा भैया कि कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो ड्रॉवर को डायरेक्ट कर दे कि भैया तू कंप्लेनेंट को मैक्सिमम 20% दे दे, तू दे दे। 148 में क्या बोल रहा है, तू 20% हमको दे दे, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आएगी क्या कि वो अमाउंट को रिलीज किया जाए। समझना इस बात को, 143A में जो पैसा है आपका वो ड्रॉवर से किसको जा रहा है, सीधे कंप्लेनेंट को जा रहा है। 148 में जो पैसा है आपका वो ड्रॉवर से पहले जा रहा है आपकी अपीलेट कोर्ट को और उसके बाद जा रहा है वो कंप्लेनेंट को। अपीलेट कोर्ट 148 का जो भैया ये कौन सा है भैया, ये सबसेक्शन 3, द अपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट, मतलब में इच्छा होगी तो रिलीज द अमाउंट, मतलब जमा तो करवा लेंगे उससे पैसा हम, पर उसको रिलीज नहीं करेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अपीलेंट टू द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, मतलब पेंडेंसी के दौरान कभी भी जब अपीलेट कोर्ट की इच्छा होगी आपको पैसा तब मिलेगा। लेकिन 143A में जिस दिन वो प्लीड नॉट गिल्टी करता है तो उस दिन इसको पैसा सीधा किसको देना है, कंप्लेनेंट को देना है। लेकिन 148 में पैसा सीधा कंप्लेनेंट को नहीं जाएगा, पैसा डिपॉजिट होगा और उस डिपॉजिट को रिलीज करने के लिए 148 के सबसेक्शन 3 का आवेदन लगेगा बकायदा। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा, एक तरफ पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट, एक तरफ पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, एक तरफ मैक्सिमम 20%, एक तरफ मिनिमम 20%, है ना। उसमें स्टेज बता रखी है, इसमें स्टेज के बारे में कोई बात नहीं करिए। आप समझ लीजिए कि जब आवेदन देगा उसके बाद अपीलेट कोर्ट की जब इच्छा होगी तब उसका आदेश वो कर सकती है। और एक और डिफरेंस हमने अभी यह देखा कि पैसा यहाँ पर डिपॉजिट होगा, उसके बाद उसको रिलीज करने का आवेदन अलग आएगा, वहाँ पर डिपॉजिट और रिलीज जैसी कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट पैसा वो सीधे कंप्लेन को यहाँ पर वो दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। लास्ट भैया, प्रोवाइडेड डेट इफ द अपीलेंट इज एक्विटेड, वही बरी हो गया है ना, यहाँ पर भी बरी हो गया मान लो वो, द कोर्ट शैल डायरेक्ट, वो रिस्टोरेशन का वापस क्लॉज आ गया है। ये रिस्टोरेशन का अपन क्लॉज कहाँ पढ़ चुके हैं, ये रिस्टोरेशन का क्लॉज अपन 143A में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ 143A और 148 का जो अपना बेयर एक्ट का प्रोविजन था अपन उसको समझ चुके हैं। आइए अपन कुछ केसेस पे बात करते हैं, 2-3 केस मेरे पास है ना, जिसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी है ना, जिसमें हम जानेंगे कि इसके इफेक्ट की बात हुई थी तो इसका इफेक्ट क्या माना गया है। मैं इसको रब कर देता हूं और अब हम आते हैं केस लॉ पे, बहुत लीडिंग केस लॉ है। अगर मेंस में क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद करिए कि आपको एक केस लॉ तो बिल्कुल और बिल्कुल लिख कर आना ही है। अगर इंटरिम कंपेंसेशन पे 143A पे 148 पे सवाल बनता है तो, और मध्य प्रदेश में लगभग चांसेस ज़्यादा है कि मेंस में ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरिम कंपेंसेशन और कंपेंसेशन के सवाल को तैयार कर लीजिए और उसमें केस लॉस को आपको कैसे पुट अप करना है उसको भी आप तैयार कर लीजिए। समस्या क्या है भैया, समस्या ये है 1/9/2018 को क्या है भैया, 143A और इनका बड़ा भाई 148 नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की फैमिली में आए है ना, तो परिवार में इनका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सवाल ये है ना, जो केस 1 सितंबर 2018 के पहले थे, मतलब बिफोर 192018, उसमें 143A अप्लाई होगा कि नहीं होगा, 148 अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और आफ्टर 1/9/2018 ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये तो अप्लाई होगा ना भैया, है ना, आज नियम बन गया आज से हमारा कि आज के बाद ऐसा होगा, तो आफ्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब है ना, मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए था लेकिन मैंने लिख के बता दिया, चूंकि दो कैसे भैया, बिफोर और आफ्टर, जो आपका वो अमेंडमेंट आया है
वो क्या बोल रहा है कि भैया आफ्टर में तो ठीक है, आप 143A मतलब इंटरिम कंपेंसेशन भी आपका अप्लाई होगा और आपका 148 का कंपेंसेशन भी अप्लाई होगा, लेकिन सर मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल अबाउट पेंडिंग केसेस है, पेंडिंग केसेस जो डिस्पोज ऑफ हो गए ना उसकी बात भी नहीं कर रहे अपन, है ना, पेंडिंग केसेस की बात हो रही है बिफोर में, कि जो कोर्ट में ट्रायल में जो भी मामले सर चल रहे, जो अपील अभी पेंडिंग है, जो ट्रायल में केस अभी पेंडिंग है सर, उसका क्या माजरा है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें कोई अगर आपको कुछ बताओ ना सर, कि मतलब रेट्रोस्पेक्टिव माने कि प्रोस्पेक्टिव माने कि उसका इफेक्ट हम किस प्रकार का माने, तो आइए हम डील करते एक एक केस लॉ से। सबसे पहले यहाँ पर केस लॉ किसका आता है भैया, गिन्नी गारमेंट्स वर्सेस सेठी गारमेंट्स, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो हेल्ड हुआ था वो ये हुआ था कि 143A को सबसे पहला भैया गिन्नी गारमेंट्स का केस है, गिन्नी गारमेंट्स वर्सेस सेठी गारमेंट्स है ना पहला केस आपका, इसमें 143A को क्या बोला था और 148 को क्या बोला था अपन देख लेते हैं। 143A को इन्होंने प्रोस्पेक्टिव बोला था और 148 को इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव बोला था। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट केस लो आता है सुरेंद्र सिंह देसवाल, है ना, सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस में कौन है भैया, वीरेंद्र गांधी, ये इंपॉर्टेंट केस लो है भैया, है ना। इसके बाद एक और केस लो है, तो इसमें इन्होंने केवल 148 को रेट्रोस्पेक्टिव बोला था, 148 को इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव बोला था। और आखिरी आपका केस लो है जी जे राजा वर्सेस तेजरा सुराना, जी जे राजा वर्सेस तेज राज सुराना में क्या आया था भैया, उन्होंने 143A को प्रोस्पेक्टिव बताया और 148 को रेट्रोस्पेक्टिव बताया। अब बताता हूँ इसमें गिन्नी वाला इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, गिन्नी वाला चूंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का है ना, तो जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो क्या होगा, वो डेफिनेटली कम इंपॉर्टेंट होगा। तो बात के दो है, ये सुप्रीम कोर्ट के है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है और ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसलिए मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे जजमेंट दे चुका है, तो ऊपर वाला आप लिख भले सकते हैं ऊपर, इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों केस लॉ है, उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बाद वाला है क्योंकि इसने दोनों ही चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझाता हूँ, है ना, कि अल्टीमेटली आज की पोजीशन क्या है, है ना। अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला है कि 143A क्या है भैया, 143A प्रोस्पेक्टिव है और 148 को बोला रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब 148 में आपने क्या बोला कि बिफोर 19 तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले पे चलेगा, पहले वाले पे केसेस पे नहीं चलेगा, मतलब 143A जो आपका है एक 143A उसके साथ क्या बोल रहा है कि वो मतलब 1/9/2018 के बाद के लिए ही पॉसिबल है, उसके पहले के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है प्रोस्पेक्टिव नेचर, मतलब आज के भविष्य के बाद, आज के बाद मतलब, और 148 में क्या है 1918 के बाद प्लस 1918 के दिन पेंडिंग, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव चूंकि केस तो पीने लग गया था वो। अच्छा दिक्कत ये हुई कि वैसे तो लॉ को क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए था कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव कौन है प्रोस्पेक्टिव कौन है, ताकि कोई तकलीफ ही नहीं आए, कोई माजरा ही नहीं बने, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। अब सवाल आता है कोर्ट के इंटरप्रिटेशन का, मेरा कहना ये था 2018 की बात है, जिन लोगों ने कानून की किताब लिखी होगी वो मरे तो नहीं होंगे ना, वो घूम रहे होंगे अभी, वो पार्लियामेंट में जा भी उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे जाके पूछ लो धीरे से कि आपका मकसद क्या था भैया, पर ऐसा संभव नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा करते नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है। सर 148 में इक्विटल मिल जाता है तो 143A का इंटरिम कंपेंसेशन रिफंड मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल रिफंड पूरा मिलेगा वो, है ना, उसमें निश्चिंत रहो आप, रिफंड पूरा मिलेगा। सर केस लॉ थोड़ा क्लियर लिख देंगे प्लीज, अनेबल टू नोट डाउन, ओके मैं केस लॉ को क्लियर लिख देता हूँ भैया पहले तो, और उसके बाद बताता हूँ कि कोर्ट ने ऐसा दिमाग क्यों लगाया, है ना। ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव है क्या प्रोस्पेक्टिव है, पर ये दिमाग लगाते हुए कोर्ट ने क्या डिस्कस करा। सबसे पहले तो भैया मैं अच्छी राइटिंग में लिख दूँ यार, है ना, GINNI गिन्नी गारमेंट्स वर्सेस सेठी गारमेंट्स, एक केस लॉ। दूसरा क्या है भैया, सुरिंदर सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी, भैया
है ना। तीसरा आपका है भैया जी जे राजा वर्सेस तेज राज सुराना, है ना। अब ठीक ठाक दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में भैया लिख लो, है ना। गिन्नी गारमेंट वर्सेस सेठी गारमेंट, सुरेंद्र सिंह देशवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी, जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना, है ना। तो भैया इसको आप लिख लीजिए। सर ये तो आपने अच्छा बताया है ना, एग्जाम में हमसे पूछेंगे कि क्या लिखना है, तो हम बकायदा लिख देंगे कि 143 है क्या, उसका नेचर प्रोस्पेक्टिव है और 148 का नेचर जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। कमेंट्स में बकायदा डेट उसकी बता रहे हैं अनिकेत भैया, तो आप उसकी डेट्स भी प्रॉपर लिख लो, है ना। सबसे पहले आपका गिन्नी गारमेंट्स आता है, फिर सुरेंद्र आता है, फिर जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना आता है आपका। लेकिन सवाल ये नहीं है, मैं ये बताने के लिए, मतलब अपन ने लाइव शुरू नहीं कराया कामकाज, अपन ने ये बताने के लिए शुरू करा है कि ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों माना गया, कोर्ट को ऐसा क्या दिखा 143 ए में जो 148 में नहीं दिखा, है ना। अगर अपन उस पर बात करेंगे तो अपन फिर लॉ को समझ पाएंगे कि हाउ टू रीड लॉ, है ना। लॉ को कैसा पढ़ा जाता है, लॉ को कैसे देखा जाता है, कंसिडर कैसे क्या करना है आपको। तो आइए हम समझते हैं कि 143 ए को प्रोस्पेक्टिव क्यों बोला गया और 148 को रेट्रोस्पेक्टिव क्यों बोला गया, है ना। दोनों तीनों केसेस के लगभग ओपिनियन एक जैसे हैं पर एक जैसे नहीं है, है ना। मतलब लगभग सेम बात है, मैं तीनों के मिक्स फॉर्म में आपको बात बताता हूँ, एक एक का डिफरेंस करेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मूलभूत तत्व था जिसको उन्होंने माना, जिस आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इधर का आप करें क्या, कर देते भैया। सवाल ये है हमारा, वाय क्यों भैया, क्यों क्यों यहां पर आपने 143 ए को प्रोस्पेक्टिव माना और क्यों 148 को आपने रेट्रोस्पेक्टिव माना, मतलब क्यों इसके लिए आपने बोला कि बात से ही शुरू होगा और इसमें आपने बोला कि पहले के जो पेंडिंग मामले हैं वहां पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जब हमने बेरेक्ट पढ़ा तो हमको ऐसा लगा, क्योंकि मतलब लॉ मेकर्स ने तो स्पेसिफिक करा नहीं था, इसका मतलब अब दिमाग पूरा किसको लगाना था, हमको लगाना था। अब हमको जब दिमाग लगाना था तो किसको देख के लगाना था, बेयर एक्ट को देख के लगाना था ना। बेयर एक्ट में जितनी बातें लिखी है इसमें से अपन जितना पढ़ सको उसको उन्होंने देख के पूरा दिमाग लगाया। अब आइए हम बात करते हैं कि 143 ए और भी कुछ बातें हैं क्या इंपॉर्टेंट, मैं पहले वो क्लियर कर दूं। हाँ पहले एक सामान्य बातें जान लो, इट इज कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन डेट, एवरी स्टेच्यू इज अ प्राइमा फेसिया प्रोस्पेक्टिव, मतलब कोई भी लॉ जब लिखा जाता है तो उसको प्राइमा फेसिया हम क्या मानते हैं, प्रोस्पेक्टिव नेचर का मानते हैं। अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन मेड टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, मतलब हर कानून को जो भी कानून बनेगा उसको प्राइमा फेसिया आपको क्या मानना है, प्रोस्पेक्टिव मानना है। इसको क्या बोला गया है, कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। आपको कैसे पढ़ना है उसकी बात कर रहा है, तो प्राइमा फेसिया क्या माना आपने, उसको प्रोस्पेक्टिव मानना है। क्या कंडीशन है भैया, दो एक्सेप्शन है इसके, दो एक्सेप्शन मतलब दो मामलों में आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव मान सकते हो। एक जब लॉ ने खुद ने बोल दिया हो, लिख दिया हो कि इसकी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ना। और अपन ने एक और बात क्या है वो ये है कि एक का एक्सेप्शन एक ही है कि बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन उन्होंने ऐसा बता दिया है कि इसको अपने को रेट्रोस्पेक्टिव मानना है। तो लॉ ने तो नहीं लिखा है, अब नेसेसरी इम्प्लीकेशन को आपको यहाँ पर पढ़ना है कि क्या वो नेसेसरी इम्प्लीकेशन वहाँ पर मौजूद थे, है ना। मैं एक सेकंड के लिए इसलिए रुक गया था क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को इंदिरा गांधी का एक केस याद आ जाता है जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट करा था रेट्रोस्पेक्टिव, है ना। जो उनके चुनाव के मामले में जो उनका केस चल रहा था, है ना, उस मामले में राजनारायण के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके मतलब जबरदस्त गेम करा था। अपन उसके बारे में बात करेंगे जब अपन संविधान पढ़ेंगे। तो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कितना जबरदस्त इस्तेमाल करा वो मेरे को याद आ गया था और एकदम मतलब दुख की पीड़ा मतलब है ना अंदर से एकदम हिल गया था, तो वो इसलिए मैं रुक गया था। हाँ भैया, तो दो दो रास्ते आपके पास, प्राइमा फेसिया एट इज प्रोस्पेक्टिव एक्सेप्शन है ना, या तो लॉ ने स्पेसिफिकली लिख दिया हो या इम्प्लीकेशन से हमको पढ़ना आता हो। अब ये इम्प्लीकेशन पढ़ने का काम होता है भैया सुप्रीम कोर्ट का, कि वो इम्प्लीकेशन को कैसे पढ़ता है। तो उन्होंने बहुत छोटे से ग्राउंड यहाँ पर दिए, उन्होंने बोला कि देखो भैया
दो ग्राउंड्स पे बेसिकली उन्होंने बात करी है। पहला ग्राउंड उन्होंने बोला है कि 143 ए जो है ये न्यू लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ये न्यू लायबिलिटी क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि इंटरिम कंपेंसेशन की बात हुई है भैया, तो मतलब ये नई लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी उसके ऊपर पहले से नहीं थी, है ना। हालांकि प्रोसीजरल है, लेकिन प्रोसीजरल का जो इफेक्ट है वो सब्सटेंटिव नेचर का है, प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है ये, है ना, कंपेंसेशन वगैरह, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सब्सटेंटिव नेचर का है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि 143 तो भैया आज के बाद लागू होगा, क्योंकि इसमें नई चीज है, ये नई लायबिलिटी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एक बात। और उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए एक और बात बोली है कि ये नई लायबिलिटी है, इसीलिए 421 सीआरपीसी का उन्होंने स्पेसिफिक कोड करा है। मतलब 143 ए का जो 5 वाला आपका क्लॉज सबसेक्शन है, 5 वाले में क्या लिखा हुआ है कि 421 सीआरपीसी के माध्यम से इसकी क्या होगी, रिकवरी होगी। तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी प्रोसीजर आपको, न्यू मशीनरी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ी, मतलब रिकवरी की जो थी ये मशीनरी क्या है, ये न्यू मशीनरी है ना। तो आपका जो कि कंसेप्ट नया है, इंटरिम कंपेंसेशन कभी सीआरपीसी में था भी नहीं, है ना, कभी ऐसा भी प्रोविजन नहीं था कि कन्विक्शन के पहले भी ऐसा हो सकता है। तो आपने मतलब एक नई चीज पैदा करी, आपने एक नई डिस्कवरी करी, नया इन्वेंशन है भैया, तो नया इन्वेंशन है तो आज के बाद ही वो लागू होना चाहिए। आज के पहले के केसेस में उसको इंट्रोड्यूस करना गलत है ना, ये नियम के विरुद्ध है। और एक और क्या उसको कॉरोबरेट करते हुए बोला है कि 421 सीआरपीसी का उन्होंने इसीलिए दिया है क्योंकि वो नई लायबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। 148 के साथ क्या है, 148 टॉक्स अबाउट कंपेंसेशन, तो उन्होंने बोला कि भाई 148 का कंपेंसेशन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट कन्विक्शन है, सजा के बाद है, पोस्ट कन्विक्शन कंपेंसेशन की बात सीआरपीसी का 357 ऑलरेडी करता है, तो आप यहां पर ऑलरेडी कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, है ना। कन्विक्शन के बाद तो कंपेंसेशन का बोल सकते हो ना, सीआरपीसी भी बोलती है, तो 148 ने भी बोला, तो कोई नई लायबिलिटी तो अराइज नहीं करी ना। तो मतलब उन्होंने ये ग्राउंड दिया कि यहाँ पर नई लायबिलिटी रिकवरी प्रोसीजर यहाँ पर नहीं बताई गई है। इससे उनको पता चला कि आपने 421 सीआरपीसी का इस्तेमाल यहाँ तो करा, लेकिन 148 में 421 सीआरपीसी का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं करा। लगभग तो दोनों वो सेक्शन सेम चल रहे हैं। 421 सीआरपीसी का इस्तेमाल आपने इसलिए नहीं करा क्योंकि 421 सीआरपीसी यहाँ पर इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है, कंपेंसेशन एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब 357 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, हमारा 148 भी एकदम वैसी ही बात करता है, तो हमने कोई इसको अलग बात नहीं करी है। और चूंकि इसकी रिकवरी 421 से होती है, इसलिए इसकी रिकवरी भी अपने आप 421 से यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन जो 143 ए का मामला है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर न्यू लायबिलिटी अराइज हुई है, पहली बार इंटरिम कंपेंसेशन लोगों को देखने को मिला है, इसलिए इंटरिम कंपेंसेशन नई लायबिलिटी है। और नई लायबिलिटी के लिए आपने नई मशीनरी देके हमको ये बता दिया है कि इसका जो नेचर है वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, मतलब नई चीजें तो आज के बाद, और उसका जो नेचर है वो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। 148 का मतलब पेंडिंग अपील्स में 20% के लिए जो मिनिमम 20% का आवेदन लगा सकते हो 1 सितंबर 2018 से, लेकिन 1 सितंबर 2018 को जो पेंडिंग केसेस है उसमें ट्रायल कोर्ट में आप वो आवेदन वो कंपेंसेशन के लिए इंटरिम कंपेंसेशन के लिए आप नहीं लगा सकते हो। क्वेश्चन देता हूं मैं किसी को, गवर्नमेंट इसलिए प्लान कर रहा है डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, है ना। मुझे उम्मीद तो कम है कि इसके प्लान में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत सारे दूसरे ऑफेंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, कॉर्पोरेट ऑफेंसेस के, जिसको वो डिक्रिमिनलाइज कर भी पाएंगे, पर 138 को करना मुश्किल है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद उनको लगा है कि देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब होने वाली है ना। मतलब लोगों के जेब से पैसा निकालना बहुत टफ हो जाएगा, और चेक वो लायबिलिटी करता है, कौन सी लायबिलिटी, क्रिमिनल वाली। मतलब चेक लोगों को डराता है कि आपने अगर चेक दिया और आपका चेक अगर बाउंस हो गया इनकेस तो क्या भैया, तो आपको सजा हो जाएगी। तो ऐसा डर, ऐसा खौफ, ऐसा माहौल आपके लोगों के पैसा निकलने को रोकेगा, उनका मॉनिटरी रोटेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सजा का डर है, एक बात। दूसरा, इसके केसेस इतने पेंडिंग चल रहे हैं कि मतलब चेक के ऊपर से विश्वास ही उठने जैसा हो गया है कि मतलब चेक देना भी मतलब खतरे से खाली नहीं है किसी का लेना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बोला है कि इसका एक तो कोर्टों में हम केस खत्म नहीं कर पाए। हम 1988 में जब इसको लाए थे तो हमारा इंटेंशन क्या था भैया कि 138 के मामलों को समाप्त करना,
और 138 के मतलब जो चेक बाउंसेस के जो ये है ना चेक को कागज का टुकड़ा मात्र समझ लिया गया था, उसको कागज का टुकड़ा ना समझते हुए एक लाइबिलिटी समझिए कि आपने किसी को दिया है तो आपको उसको पैसा वापस देना है, तो आपने उसको बना दिया क्रिमिनल। सिविल में आदमी डरता नहीं है, क्रिमिनल में आदमी डरता है ना, तो इसलिए आपने वो चेंज लाया। हालांकि आपको लगा नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा मीर मारा था, उसके बाद से आपने 2002 में भी लाया, 2015 में भी लाया, 2018 में भी लाया, आप लगातार कोशिश करते रहे, जजमेंट के माध्यम से भी आपने बहुत कोशिश करी कि इसके इसको डिस्करेज किया जाए, इस ऑफेंस के ऊपर आप रोक नहीं पाए। तो दो कारण मुझे लगते हैं कि एक तो ये कि कोर्टों में इसकी भरमार हो रही है, कोई मतलब नहीं, रिकवरी हो नहीं पाती है ना, इतना आसान है नहीं। ऐसी रिकवरी तो सिविल कोर्ट वाले भी करा लेंगे, भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्रिमिनल हटा दो सिविल रहने दो, जब रिकवरी करना है, जब सजा होना नहीं है 138 में, जब सजा करते नहीं है, जब सजा देते नहीं है। और दूसरी बात यह कि वो जो रोटेशन है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, वो इसको लाना जरूरी समझा, हालांकि उन्होंने बहुत सारे ऑफेंस लिस्ट आउट करे हैं, अब कौन से उसमें कंसीडर होते हैं कौन से नहीं होते ये देखने वाली बात होगी। ये क्वेश्चन तो मेरे लिए भी एकदम नया है। और क्या क्वेश्चन है भैया? उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, है ना, जिनको पसंद आया वो लाइक का बटन दबा सकते हैं जाते जाते, है ना। आज का हमारा जजमेंट का सेशन हमने पोस्टपोन इसीलिए करा कि हम 143A और 148 को समझ लें और उसके जो भी ग्राउंड्स है इसको प्रॉपरली हम समझ लें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, 143A 148 का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी समझ में आया होगा, केस लॉ के माध्यम से इसका प्रोस्पेक्टिव नेचर और रेट्रोस्पेक्टिव नेचर भी बकायदा आपको समझ में आया होगा। तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, हम मंडे को मिलेंगे, सोमवार को सुबह 6 से 7 CRPC हमारा कंटिन्यू होगा और हमको पढ़ना है 155 नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है और FIR पर बहुत सारे सवाल हैं, हम उनके साथ भी पूरा प्रॉपर डील करेंगे। तो कल की छुट्टी है, परसों मुलाकात करते हैं, अनिकेत भैया की मदद से अगर हम कल टेस्ट ले पाए तो बिल्कुल हम कल आपका है ना 10-12 बजे के आसपास एक ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आपका बकायदा एक टेस्ट होगा जिसमें आपसे NIA पूछा जाएगा, आपसे CRPC के कुछ सेक्शंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, है ना। तो इसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो डाल सकता है, मैं उसके लिए बता दूंगा आपको, कोई समस्या हुई तो। अगर ठीक है, चलता हूँ मैं ना, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।